दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हेल्दी क्यों है? क्योंकि हम इसे बिना चाशनी के बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान विधि से बनाने वाले हैं, तो हर कोई इसे बना सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर जो सफेद वाली उड़द दाल आती है उसका आटा लिया है 2 कटोरी, और इसके अंदर हम ले लेंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसमें है ना हम मेयोन की तरह इसको मिक्स करेंगे। इससे है ना थोड़ा सा उड़द का आटा दानेदार बन जाएगा, और 10 से 15 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने रख देंगे। और एक साइड हमने ले लिया है 2 कटोरी के जितना घी। घी गर्म होते ही हम इसके अंदर 4 से 5 चम्मच के जितना जो गोंद कहा जाता है और इसे डिंक भी कहा जाता है, उसे तल कर रख लेंगे। और जो हमारा आटा है उसने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, और रेस्ट करने के बाद इसको क्रम्बली बनाने के लिए एक बार मिक्सर में हल्का सा चर्न कर लेंगे। इससे ना एकदम ये दानेदार परफेक्ट बन जाएगा। तो जो हमारा गोंद वाला ही घी गर्म है उसी के अंदर हम हमारा ये उड़द दाल का आटा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कुरकुरा आटा है तो आपको ये मोड़ डालने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारा उड़द दाल अच्छे से भुन जाएगा तो उसके अंदर हम 1/2 कटोरी के जितना अखे वाले जो राउंड राउंड गोंद के दाने हैं उसको भी डीप फ्राई कर लेंगे साथ ही में। और साथ में ही हम 4 से 5 चम्मच के जितना जो एकदम बारीक पाउडर किया हुआ गोंद है वो भी ऐड करेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें हम ले लेंगे 1/2 कटोरी के आसपास काजू के टुकड़े, और 1/2 कटोरी के आसपास हमने ले लिया है बादाम के टुकड़े, मतलब कि हाफ क्रश। और इसके अंदर ले लिया हमने 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सोट कहते हैं। और ये जो आटा है इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सोते करेंगे। और 1/2 चम्मच ले लेंगे इलायची पाउडर, आप चाहे तो यहाँ पर गंठोड़ा पाउडर को भी ऐड कर सकते हो। और पूरा ये सामग्री जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कटोरी के जितना किशमिश, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसे हम थोड़ा सा अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और इसके हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो हमने इसका है ना 1/2 पोर्शन ले लिया है अलग, और उसमें हमने ले लिया है 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच मतलब टेबलस्पून के जितना घर की फ्रेश मलाई, और इसको बहुत ही अच्छे से पकने देंगे। और एकदम ठीक हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे, और उसके बाद हम इसमें लो टू मीडियम फ्लेम करके 1/2 कटोरी के जितना गुड़ ऐड कर देंगे। और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक मोल्ड में सेट करने के लिए रख देंगे। और अभी हमने जो इसे सेट किया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो प्लेन कटोरी या ग्लास हो उसे एकदम सेट कर देंगे। और ये जो मिश्रण है हम बिना मलाई वाला भी रख सकते हैं, मतलब कि मलाई के बिना भी हम उसमें गुड़ मिक्स करके ऐड करके उसे रख सकते, ताकि वो ज़्यादा दिन भी खराब नहीं होता है। तो हम एक ही जो सामग्री उसमें से हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अभी जो हमारी उड़द दाल की पिंडिया तैयार है उसके ऊपर हम बारीक कटा पिस्ता और कुछ तला हुआ गोंद भी रख देंगे, ताकि ये एकदम दिखने में ब्यूटीफुल लगे और खाने में तो टेस्टी होगा, और बिना चीनी का है तो बहुत ही हेल्दी है। और वैसे भी जो उड़द दाल है उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है, बहुत सारा उसमें प्रोटीन भी होता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी हो तो 1 लाइक तो बनता है, आपके 1 लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अभी ये विंटर सीजन आ रहा है, इसमें ये परफेक्ट रेसिपी है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ।